नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्व सुलभ करने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने का एक विधिवत आधार है जो आपको वास्तविकता में चाहिए। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुव्यवस्थित करने का एक अद्भुत साधन है। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवत कृपा, वेद, शास्त्र, पुराण का अध्ययन और उसका रिसर्च आपके सामने सरलीकरण से प्रस्तुत करने का अद्भुत साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी है, जहां पर विवाह के पहले और विवाह के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान किया जाता है, जहां पर आपके अपने जीवन को सर्व सुलभ बनाया जाता है, जहां पर आपको सच पूछा जाए ना तो तुम्हें जिंदा किया जाता है, तुम्हें जीवित किया जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं को ठीक करने के साधन की। मैं आज बात कर रहा हूं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है, सेकेंड डे है। सेकेंड डे गुप्त नवरात्रि का, नवरात्रियां आपको पता है चार होती, दो आप सब जानते हैं और दो गुप्त नवरात्रियां होती हैं, जिसमें से कल आप लोगों ने माता कामाख्या का प्रसाद स्वरूप एक उपाय किया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेनिफिट होना प्रारंभ हो गया कल के कल ही। आज मैं बात कर रहा हूं एक और अद्भुत चमत्कारी कृपामयी माता ललितांबरा की। आज मैं एक ऐसा अद्भुत प्रयोग आपके सामने लेकर के आया हूं जिसके करते ही आपके जीवन में त्वरित लाभ होगा, जिसके करते ही आपके अपने दाम्पतिक और पारिवारिक लाइफ में चमत्कारी प्रभाव देखे गए हैं, जिसके करने के बाद आपके अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप पाना चाहते हो। चाहे तुम्हारे बात रिलेशनशिप की हो, चाहे बात तुम्हारे लव की हो, दिल की हो, प्यार की हो, या तुम्हारे शादीशुदा जीवन की हो, या तुम्हारे पारिवारिक लाइफ में किसी अव्यवस्था की बात हो, वो पूरी की पूरी ठीक करने की एक अद्भुत संज्ञा आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं दिल की, हृदय की, और दिल की पीड़ा हर कोई समझ नहीं सकता। पीछे मैंने आवेश में आकर के ही, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो खराब काम करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ गए, कुछ ऐसे ढोगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ गए जिनका काम है सिर्फ धनार्जन करना और आपको परेशान करना। तो मैं आवेश में आके बहुत कुछ बोल जाता हूं कभी कभी। हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। मैं किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा होता हूं, मैं बात कर रहा होता हूं कुछ बहुत छोटे परसेंटेज में उन लोगों की जो बुरा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे। आप देखो, हमारा वीडियो चलने के पहले ही, जब हम कोई भी प्रीमियर पे लगाते हैं तो पहले थंबनेल सामने आपको दिखता है। अभी थंबनेल ही दिखा है, अंदर गए नहीं, वीडियो देखा नहीं, उसके पहले ही 2-4-5 अनलाइक दिखते हैं आपको, कुछ 100-200 लाइक भी दिखते हैं, पर चलने के पहले की बात कर रहा हूं। चलने की बात तो खैर आप सब बहुत बड़ी संख्या में देखते हो, चलने के पहले ही कुछ 100-200 लाइक्स होते हैं, पर 2-4-6-8 डिसलाइक भी होते हैं। तो मैंने एक बार पूछा, भाई क्या है कि हमारे यहां तो ऐसा कोई नहीं है जिसको डिसलाइक करने की जरूरत पड़े। तो मुझे बताया गया पीछे से, जो हमारी आईटी की टीम है जो बैकअप में देखते हैं सारा, कि गुरुजी ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप हमेशा बुराई करते रहते हो, ये फेक आईडी बना करके आपका वीडियो डिसलाइक करते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है उनको पता नहीं, खैर उन सब चीजों पे हम फिर कभी बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं दिल की, हम बात कर रहे हैं आपके हृदय की, हम बात कर रहे हैं आपके जब दिल में पीड़ा हो, आपके हृदय में पीड़ा हो, आपके अपने रिलेशनशिप में, आपकी पारिवारिक लाइफ में, आपके दाम्पतिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में कोई समस्या हो ना तो अंदर कष्ट होता है, दिल में दर्द होता है, और ये ऐसा दर्द है जिसकी कोई दवाई नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जिसका कोई समाधान नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जिसका सलूशन कहीं बाकी जगह नहीं मिल पाता। हम विश्व में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्थान है जिसका नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी।
हम गर्व से इस बात को कहते हैं कि पूरी की पूरे विश्व में, इंडिया में नहीं, किसी एक प्रदेश में नहीं, हम पूरे के पूरे विश्व में इकलौते ऐसे लोग हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप, दिल, प्यार और आपके दाम्पत्य जीवन को ठीक किया जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया जाता। तो हम इकलौते वो लोग हैं, पहला प्लेटफॉर्म है ये, हमको देख के और लोग स्टार्ट करेंगे, करने दीजिए, अच्छा है ना, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो हम पहले वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रखा है। हम पिछले 20 सालों से इसी दिशा में काम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ही प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया, हम पिछले 20 सालों से इसी चीज पे काम कर रहे हैं। हमारा दुनिया में किसी भी एपिसोड में, आप पूरे के पूरे विश्व में कोई भी एपिसोड देख लीजिए, किसी भी टीवी चैनल वाले ने अगर डाला होगा अपने चैनल पर, तो उसमें आप मुझे प्रेम के बारे में ही बोलते पाओगे और कुछ नहीं पाओगे। लोग बोलते हैं आप लव गुरु हो, कह लो आपकी मर्जी, मैं हूं तो सिर्फ गुरु ही, तुम क्या कहते हो, तुम लव लगाते हो, रिलेशन लगाते हो, प्यार लगाते हो, जो तुम्हारी मर्जी है, हम तो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तुम्हें वो रास्ता दिखा रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन बहुत सर्वसुलभ हो जाए। तो आज मैं बात कर रहा हूं कि अगर तुम्हारे दिल में दर्द है, अगर तुम्हारे अंदर पीड़ा है, अगर तुम अपने रिलेशनशिप में एक अकेले बोझ उठा रहे हो, अगर किसी भी रिलेशनशिप में तुम अकेले परेशान हो, अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई दूसरा उतना परेशान नहीं जितना तुम परेशान हो, तुमने खोया है और तुम दर्द में हो, तुम तकलीफ में हो, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज मैं बात कर रहा हूं शिव पुराण की, आज मैं बात कर रहा हूं देवी भागवत की, आज मैं बात कर रहा हूं महिमा स्तोत्रम की, आज हम बात कर रहे हैं पौराणिक पद्धतियों में वेद वेदांगों की बात कर रहे हैं, आज हम सवास के अंदर से कुछ निकाल के लाए हैं, आज हम शायद अगर आप समझते हो इस बात को तो मैं वेदांग की बात कर रहा हूं, बहुत अंदर की बात है, बहुत गूढ़ रहस्य है, जो बहुत गहरे उतरना जानते होंगे, जो बहुत विज्ञ और साक्षर होंगे इस बात को समझेंगे। ये बात जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं, इसके साथ एक ऐसा सरल और ऐसा अद्भुत सॉल्यूशन आपको बताएंगे जिसके करते ही लाभ होगा, आप कुछ सेकंड्स में ही अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे और आपका जीवन परिणित होने लग जाएगा। आप खुद में परिवर्तन होने के साथ साथ आप अपने जीवन में, अपने लव में, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में, अपने दाम्पत्य जीवन में अद्भुत चमत्कार देख पाएंगे करते ही, इमिजिएटली। ये बहुत छोटा बड़ा सरल किसी भी खर्चे के बगैर किया हुआ उपाय है। ये बात उस समय की है जब माता सती भगवान शिव के मना करने के बावजूद भी अपने पिता के घर में यज्ञ में सम्मिलित होने चली गई। वहां उनका अनादर किया गया और भगवान शिव का स्थान नहीं देख करके उन्हें बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुखी हुई वो। ऐसा होने पर उन्होंने अपना देह आहुति दे दी भगवान शिव के नाम पर। बोले अगर भगवान शिव की आहुति नहीं दी जा रही तो कोई बात नहीं, मेरे से बड़ी सामग्री कोई नहीं है, मैं स्वयं भगवान शिव की अर्थांगनी संकल्प करती हूं, इस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान है, और अपने आप को ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय नमः शंकराय च मयो शंकराय शर्मा बोल करके उन्होंने अपने आप को आहुति कर दिया। जैसे ही ऐसा किया गया भगवान शिव को पता चला, उनका रौद्र रूप बढ़ गया। भगवान शिव है वो, बहुत जल्दी रुष्ट नहीं होते, बहुत जल्दी प्रसन्न तो होते पर दुखी बहुत जल्दी नहीं होते। पर बात आज उनके अपने अर्धांग की थी, बात आज उनके अपने प्रेम की थी, बात आज उनके अपने दिल की थी, इसलिए वो रौद्र रूप में आ गए, पूरी के पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया, कई राक्षस पैदा किए, आपको सब कथाएं पता है। अद्भुत बात यह हुई कि उनका जला हुआ शरीर जो माता का था वो भगवान शिव ने अपने कंधे पर रख करके पूरे विश्व में भ्रमण करने लग गए। ये स्थिति आती है जब आप अपने को किसी को अपने से दूर जाते देखते हो ना, अपने से छूटते देखते हो ना, तो वो मोह का पास आपको खींचता है और फिर कुछ आप ऐसा करते हो जो आप नहीं होते हो। ये सबने किया है, किसी एक की बात नहीं कर रहा। जब भगवान राम से माता सीता अलग हुई तब भी ऐसा हुआ, वो सब जगह पूछते घूम रहे हैं, हे खग, क्या पूछ रहे, हे खग हे मृग मधुकर शहनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग हे मृग मधुकर शहनी, हे खग मृग क्या तुमने मेरी सीता को देखा है। अब देखो लता पताओं से पूछ रहे हैं, इतना ज्यादा मोहित हो सकता है कोई अपने प्यार में, तो हां ऐसा हो सकता है, ऐसा भगवान ने कहा है।
कृष्णावतार में भी ऐसा हुआ। एक ब्रज के बहुत अच्छे भजनानंदी हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर भजन लिखा है इस पर। गोपिकाएं पूछती हैं कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर, मधुबन तुम्ही बताओ माधव कहाँ गए, मधुबन तुम्ही बताओ। ये लता बताओ बताओ ना कहाँ गए हैं माधव। फिर पीछे से कोई बोलती है, मत पूछो इनसे, ये खुद भी दुखी हैं उनके दुख में। तो दूसरी आकर के आगे बोलती है, कोई बात नहीं आप चिंता मत करना, उन पत्तियों से, उन कोपल पत्तियों से कह रही है, ध्यान समझना ये प्रेम है, इसको दूसरा कोई देखेगा तो पागलपन कहेगा। उन पताओं से क्या कहती है दूसरी शकी, वो लाइन समझने लायक है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। वो तो चलिया है ना, पता नहीं कहां चला गया, तुम क्यों दुखी होते हो, खुद दुखी है पर उसी दुख में दूसरे को समझाने की कोशिश कर रही है, यही तो प्रेम है। कुछ नहीं पता चलता कि आप किससे क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, ये प्रेम की भाषा है। तो जब भगवान शिव, वापस ले चलता हूं आपको वहीं, भगवान शिव उस जले हुए शरीर को माता सती के जब लेकर भ्रमण कर रहे थे, तो जिस स्थान पर जो भी अंग गिर गया क्योंकि जला हुआ था, वहां पर एक शक्तिपीठ, एक माता का स्थान बन गया। तो आज मैं बात कर रहा हूं जहां माता का हृदय गिरा, यानी माता का दिल जहां गिरा, दिल की दवाई है ना तो दिल से मिलेगी, तो मैं उस स्थान की आज बात कर रहा हूं, उसकी महिमा का मंडन कर रहा हूं और उसका उपाय घर बैठे करने का साधन बता रहा हूं। शास्त्र में साफ साफ लिखा है कि हृदय ललिता देवी उदरे स्थूल धारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत गुहाम गुहेश्वरी तथा। जहां पर जो स्थान गिरता गया, कल मैंने माता के गुप्तांग जहां गिरा था कामाख्या, वहां की महिमा मंडन किया, आज मैं हृदय की बात कर रहा हूं, आज मैं दिल की बात कर रहा हूं, तो माता का जहां हृदय गिरा उसकी बात कर रहा हूं। कल कामाख्या की बात की थी, आज माता के हृदय की बात कर रहा हूं। मां के हृदय से बड़ा, मां के दिल से बड़ा पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। मां के दिल पर अगर आप ये उपाय करते हो, मां का दिल समझ कर ये उपाय करते हो, माता से ज्यादा दयालु कोई नहीं है। मां, अरे ध्यान से समझो ना, इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है नहीं, इस धरा में यारो कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। मां से बड़ा कौन है दानदाता, मां से ज्यादा कौन समझ सकता है तुम्हारे दर्द और तुम्हारी पीड़ा को। तो आज ये उपाय नोट कर लो, ये बहुत अद्भुत है, बड़ा चमत्कारी है, बहुत त्वरित लाभ करता है, मैंने लाखों बार इस्तेमाल किया है, यकीन मानिए। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि माता के इस हृदय रूपी स्थान को याद करना है। वैसे तो ये मंदिर कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जाइएगा, नैमिषारण्य में चक्रतीर्थ के पास में ललिता देवी का अद्भुत मंदिर बना है, वहाँ के पुजारी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आप लोग कभी दर्शन करें, वहाँ पधारें, आपको बहुत आनंद आएगा। कहते हैं पूरे तीर्थ कहीं ना करें, सिर्फ नैमिषारण्य में जाकर के एक बार दर्शन कर ले तो उसका लाभ मिलता है और सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। जिनके भी रिलेशनशिप में तकलीफ हो, वो अगर ललिता देवी मंदिर में जाकर के पूजन करें तो उनको बहुत लाभ मिलता है। आज मैं ऐसा उपाय बता रहा हूं कि आप अपने ही घर में कर सकते हो, गुप्त नवरात्रि के सेकेंड डे में ही इस अद्भुत चमत्कार को किया जा सकता है। इसको करने का जो समय है वो रात्रि में है, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन से लेकर के तीसरे दिन तक ये कार्य करने से अद्भुत चमत्कार होता है, यानी द्वितीया से लेकर के तृतीया तक चंद्रमा की अद्भुत कला होती है, जो छटा दिखती है द्वितीया के चंद्रमा की, प्यार के लिए द्वितीया के चंद्रमा के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। तो द्वितीया से लेकर के तृतीया तक ये अगर उपाय पूरी विधि से किया जाए, आप दूसरे दिन या तीसरे दिन, यानी आज से लेकर कल तक इसको पूरे मन से कर सकते हो, जब आपको मौका मिले आप उसी समय कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको सिर्फ सामग्री जो चाहिए वो नोट कर लीजिए, आपको चाहिए 2 लौंग 1 नींबू, आपको चाहिए 2 लौंग 1 नींबू, थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा सिंदूर और
और क्या चाहिए? और एक बढ़िया सा पुष्प चाहिए जो माता को पसंद है, जैसे गुलाब। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, दिल का प्रतीक है, या कमल पुष्प, जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना है, माता को, जो भी आपके पास माता की किसी भी देवी की आपकी प्रतिमा हो, उसके आगे एक कागज में ओम ललिताम्बरायै नमः लिख के रख देना है। क्या लिखना है? ओम ललिताम्बरायै नमः, ऐसा लिख करके स्लेट उनके सामने रख देना है, पर्ची उनके सामने रख देना है, और उसी के सामने ये गुलाब या कमल पुष्प चढ़ा देना है, और उसी के ऊपर अपनी अनामिका और अंगूठा यानी रिंग फिंगर और थम को मिला करके सिंदूर 7 बार रखना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है। देहि सौभाग्यमारोग्यम, क्या चाहिए मुझे? देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि मे परम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि। ऐसा बोल करके इसको आप माता के चरणों में चढ़ाए उसी पुष्प के ऊपर। अब उसके बाद करना यह है कि आपको इस नींबू के ऊपर, थोड़ा गोल होता है ना, ढनगने वाला होता है, नींबू के ठीक ऊपर आपको कपूर रख देना है, और कपूर के ऊपर लौंग रख करके वही जो ललिताम्बराई लिख के रखा है उसी मंत्र को बोलते हुए इसको जलाना है और प्रार्थना करना है। मां, प्रार्थना तुम्हें पता है, मां तुमसे ज्यादा कौन जानता है, मेरा प्रेम सच्चा है, मेरे सच्चे प्रेम को पूरी सच्चाई के साथ मुझे मिलवाओ ना, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, मैं आपके चरणों में बारंबार दंडवत हूं, मुझ पर कृपा करो। अब ये तुम्हारी दीनता, तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास जितना तगड़ा होगा, इस कार्य में उतनी तेजी आएगी, ये कार्य उतनी अद्भुत तरीके से होगा। पर हां, ध्यान रखना, इसके साथ साथ वो कृपा प्रसाद गुरु का चाहिए, गुरु की करुणा और कृपा के बगैर कोई काम नहीं होता। भगवान आपको तभी कुछ देता है जब साथ में गुरु होता है। तुम्हें ज्ञान भी तब मिलता है जब गुरु होता है, तुम्हें शिक्षा भी तब मिलता है जब गुरु होता है, तुम्हें सुख तब मिलता है जब तुम्हारे जीवन में गुरु होता है। बिना गुरु के सब शून्य है। गुरु है तो जीवन में गरुता है, गुरु है तो जीवन में समर्पण है, गुरु है तो शिष्टाचार है, गुरु है तो सत्संग है, और गुरु है तो तुम्हारे जीवन में सफलता है। जब तुम संस्कारों से ओतपोत हो गए, शिष्ट हो गए, संस्कारी हो गए, शिक्षित हो गए, साक्षर हो गए, क्योंकि गुरु ही तो सिखाएगा ये सब तुम्हें। हाउ टू डू, कैसे करना है, ये कौन सिखाएगा? गुरुजी सिखाएंगे। तो गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना, खूब खुश रहना। मां ललिताम्बरा आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव और खूब सारा प्रेम भरे। मैं आपके जीवन में खूब प्रसन्नता रखे। ओम नमः शिवाय।